अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंस्टा पे आया था जी, आप फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बनाएं। सो आज हम फिर ज़रा फोटोग्राफी सिखाते हैं आपको। लें जी, फोटोग्राफी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप अपना फ़ोन लें, उसका ऑन करें फ़ोटो वाला मोड, और पिक्चर को आपने इस तरह क्लिक कर लेना है। यहाँ से हम इसको क्लिक कर लेंगे, नीचे वो कीड़ा है उसको करते हैं, इससे पहले निकल जाए। सबसे पहले हमने पिक्चर खींच ली, क्लिक कर ली, उसके बाद हमने उसको लाइट रूम में ऐड कर दी। यहाँ पर और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो हमने खींची हुई हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। लें जी, हमारी पिक्चर होगी ओपन। सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉप करेंगे, इंस्टाग्राम के लिए अनलॉक करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे और 4:5 कर देंगे। इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं, इसी रेजोल्यूशन में रख के इसको थोड़ा सा और छोटा करके, ये देखें जी। अच्छा, एक आपको ग्रिड का मैं बताता चलूँ, ग्रिड का यही फ़ायदा है। आप देखें, मुझे पता चल गया आर्ट जो है, तो ये देखें ग्रिड्स के अंदर आपको पता चल रहा है इजीली कि आर्ट मेरा कहाँ पे है, ऊपर वाली ग्रिड में। अब पिक्चर की एक रेजोल्यूशन बन गई, एक तरह का आपको पता चल गया। लें जी, पिक्चर हमारी हो गई क्लिक, और माशाल्लाह क्लैरिटी इतनी है कि कीड़े के ऊपर लगे हुए जो वो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं वाइट वाले। एनीवेज़ जी, अब हम बात करते हैं इसको एडिट करने की। सबसे पहले ऑटो करके देखते हैं ऑटो में क्या कहता है। सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ा रहा और कुछ भी नहीं कर रहा। हम सबसे पहले जाएंगे लाइट्स में, कवर कर्व्स में जाएंगे, कर्व थोड़ा सा डाउन करके ऊपर से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, एंड दैट्स इट। हमारी पिक्चर काफ़ी अच्छी हो गई। नहीं, दैट्स इट नहीं, अभी नहीं, एक्सपोजर थोड़ा सा हम ज़्यादा कम करते हैं, थोड़ा सा कम, बस ज़्यादा नहीं। कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेकिन जस्ट थोड़ा सा। उसी तरीके से हाइलाइट्स को एंड शेडोज़ को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, कम ज़्यादा ही हो जाएगा। वाइट्स को हम कम करते हैं, बिकॉज बैकग्राउंड जो हमारा वाइट है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प आ रहा है। ब्लैक्स को हम थोड़ा कम करते हैं, इसको भी। अच्छा, ये हमारी पिक्चर रेडी होगी। अब देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर, ये बिफ़ोर है और ये देखें कितना फ़र्क पड़ गया जस्ट लिटल एडिट से। कलर में जाएंगे और वाइब्रेंस थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ग्रीन है तो ग्रीन की तरफ सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम। अब देखें हमारी पिक्चर एडिट हो गई है। ये आपने देखा कि हमारी पिक्चर एडिट हो गई है। बस इसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। लाइटरूम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप इजीली अपनी पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ज़्यादा ही बढ़ गई है थोड़ी सी। अब देखें पिक्चर में कितनी एक वो आ गई है। डिहेज़ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। डिहेज़ करने से पिक्चर की एक तरह की कह लें क्लैरिटी एकदम सामने आ जाएगी। लास्ट एक पॉइंट, विंटेज लाजमी डालें जो साइडों से, ये देखें विंटेज का ये काम है, लेकिन ज़्यादा ही नहीं कर देना, बस ऐसे थोड़ा सा, ताकि किनारे थोड़े थोड़े ना पिक्चर में एक लुक लाने के लिए। अब आप देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। इसके बाद आप डिटेल में जाएं, पिक्चर थोड़ी सी शार्प करके दैट्स इट। आप यहाँ से इसको अपने सेव टू डिवाइस भी कर सकते हैं। लें जी, आपकी पिक्चर एडिट होगी। दैट्स जस्ट अ ट्यूटोरियल। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग अक्सर क्या करते हैं पिक्चर खींचते हैं ध्यान नहीं रखते हैं, हम ग्रिड्स वगैरह का ध्यान रखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड का ध्यान रखें, थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हमारी पिक्चर अच्छी आ सकती है। चलिए जी, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलता हूँ। लें जनाब, ये वाली एक पिक्चर है जिसकी मुझे अच्छी लग रही है, ये मैं उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को जो है वो कॉपी कर लिया है। लें जी, सेटिंग कॉपी हो गई। लें जी, वापस हम अपनी पिक्चर पे आ गए। ये बिफ़ोर, ये आफ्टर। इसके बाद हम लोग वो जो हमने सेटिंग कॉपी की थी यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। आई होप अच्छा लगे। लें जी, एक और उसके अंदर कलर आ गया, आप देख सकते हैं पिक्चर थोड़ी सी और दूसरे एक और पर्सपेक्टिव से पिक्चर बन गई। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स जो है वो डाल सकते हैं, इफेक्ट्स। लें जी, ये भी क्लियर होगी। अब हम इसको बैक कर देंगे, इसी तरह दोबारा बैक आएंगे और एक और फिल्टर निकालने की कोशिश करेंगे। ये पिक्चर आपको दिखाता चलूँ, ये भी मैंने लास्ट दिनों खींची थी, ये काफ़ी अच्छी पिक्चर आई हुई है। लें जी, ये एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई, ये भी मैंने लास्ट दिनों खींची थी, बहुत अच्छी पिक्चर आई थी। एनीवेज जी, हम निकालने जा रहे हैं एक और फिल्टर जिसके अंदर हम देख सकते हैं, इसकी भी सेटिंग कॉपी करते हैं और लें जी हम अपने पिक्चर पर वापस आ गए। उसी तरीके से पेस्ट करके देखेंगे कि क्या बनता है। आई होप अच्छा लगे। एंड वाओ, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा ही ब्लूश हो गया। इसको हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं, कलर्स में जाके टेम्परेचर सेट करते हैं इसका थोड़ा वापस। लेकिन जिसका हमने टेम्परेचर थोड़ा सा सही किया और वो वापस से ब्लूश, ज़्यादा ही ब्लूश था, थोड़ा सा कम हो गया। अब देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर, सो इसको भी हम सेव कर लेंगे। एंड लें जी, आपकी पिक्चर जो है वो एडिट हो गई और इस तरीके हम इसको सेव कर लेंगे। लाइटरूम मोबाइल एक फ्री एप्लीकेशन है, लोग स्नैपसीड भी यूज़ करते हैं, लेकिन जाहिर है जिसको जो अच्छा लगे। लाइटरूम बेसिकली कलर करेक्शन इस तरह की चीज़ों के लिए है। ओके जी, दैट्स अबाउट टुडेज़ ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा।
और कुछ सीखा होगा आपने। एंड या थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड या थैंक यू सो मच। और भी इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें भी लेके आते रहेंगे जल्दी। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़।